गुड मॉर्निंग। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6.3, एक्सरसाइज नंबर 6.3 या 6.3 टॉपिक है आपका चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे बिफोर जो एक्सरसाइज थी उसमें चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल या कोफिशिएंट ऑफ डीवी ओवर डीएक्स विल बी जीरो, इससे जो बिफोर एक्सरसाइज थी। अब जो आप पढ़ रहे हो उसमें हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y over dx square plus p dy by dx plus qy equals to r, where p q r is a function of x only, is a function of x, otherwise constant, is a function of x. Now we change independent variable x to z such that अब x से z के पास जाना है आपको भाई, dy by dx की वैल्यू निकालनी है आपको, सबसे पहले dy by dx, तो आप जाओगे dy by dz और dz over dx, y से किसके पास गए z के पास, और z से आप किसके पास पहुंचे x के पास। अब आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को किस में कन्वर्ट करना है z में, तो dy over dx को आप लिख सकते हो dy over dz into dz over dx, and next again derivative with respect to x, so derivative of this with respect to x dy by dz or dz over dx, एक बार इसका डेरिवेटिव होगा, एक बार इसका डेरिवेटिव होगा, एक बार इसका डेरिवेटिव होगा और एक बार इसका डेरिवेटिव होगा। तो देखिए जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे डायरेक्ट तो होगा नहीं एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dy ओवर dz है, ये क्या dy ओवर dz, तो हम क्या करेंगे ये आपका कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, तो इसका एक बार होगा किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में dy ओवर dz, तो d ओवर dz फिर लगाओगे dz ओवर dx, d ओवर dz इसका z के रेस्पेक्ट में, फिर dz ओवर dx, और इनटू में आपका ये चल ही रहा था dz ओवर dx प्लस ये कांस्टेंट dy by dz एज ए कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका d2z ओवर dx स्क्वायर, तो ये जो टर्म है आपकी हो गई d2y ओवर dz स्क्वायर, ये dz ओवर dx का होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास dy ओवर dx, ये हो गया आपके पास कितना, सॉरी dy ओवर dz तो चेंज कर दिया, और ये डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू जेड ओवर डी जेड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज in equation first, then equation first reduced to आपकी थी d2y over dx square की वैल्यू है आपकी d2y over dz square, dz over dx का होल स्क्वायर,
प्लस डी वाई बाई डी जेड डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आई है आपकी डी वाई बाई डी जेड और डी जेड ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्व टू आर प्लस क्यू वाई इक्व टू आर। तो जेड में हमें चेंज करना है इसको भाई, तो ये हो गया डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी जेड, नाउ कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी जेड, डी वाई डी वाई बाई डी जेड का कोफिशिएंट है यहाँ से डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी जेड का कोफिशिएंट है यहाँ से पी डी जेड ओवर डी एक्स। ये जो कोफिशिएंट है वो किसका है भाई, डी वाई बाई डी जेड का प्लस क्यू वाई इक्व टू आर प्लस क्यू वाई इक्व टू आर। ये आपका कोफिशिएंट चल रहा है किसका, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें तो वाई एक्स को किस में रिप्लेस करना है जेड में, तो ये हो गया डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन में डी जेड ओवर डी एक्स से आप डिवाइड कर दोगे तो अपॉन में आ जाएगा आपका डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू बाई एक आर अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर टू डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड किया। अभी हमारे जेड में डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब हमें जेड की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी होगी कि डी वाई ओवर डी जेड का जो कोफिशियंट है वो किसके इक्वल हो जाए, या तो जीरो के इक्वल हो जाए या ये जो क्यू वन है ये किस में कन्वर्ट हो जाए आपकी कॉन्स्टेंट। इसको कर लेंगे भाई लेट डी टू वाई ओवर डी एक्स डी जेड स्क्वायर, इसको पी वन लेट कर लिया, पी के स्थान पर पी वन आ गया अब आपका, इसको क्यू वन वाई इसको आर वन। वेयर वैल्यू ऑफ पी वन आपने मानी है कितने, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर वैल्यू ऑफ पी एंड वैल्यू ऑफ क्यू वन आपने लेट की है क्यू अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ आर वन आपने लेट की है आर अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। आपको ये फॉर्म याद रखनी है, केवल पी के स्थान पे पी वन क्यू वन आर वन रिप्लेस करना है और पी वन क्यू वन आर वन की जो वैल्यू है वो आपको निकाल के बतानी है, बाई एक्स रिप्लेस हो जाएगा जेड से। पी वन क्यू वन और आर वन तीनों की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है कि पी वन की वैल्यू ये होती है, क्यू वन की वैल्यू ये होती है और आर वन की वैल्यू ये होती है। अब यहां से दो केस चलेंगे भाई। अब हम वी चूज द वैल्यू ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स सच दैट, या वी चूज द वैल्यू ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई टू मेथड्स। ठीक है भाई, अब चॉइस ऑफ जेड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास चॉइस है भाई कि जेड को एक्स के फंक्शन के रूप में कैसे सेलेक्ट करें। इसमें केस फर्स्ट है इफ वी सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ जेड
वैल्यू ऑफ जेड सच दैट कोफिशियंट ऑफ सच दैट कोफिशियंट ऑफ डी वाई बाई डी जेड विल बी जीरो जीरो दैट इज पी वन इक्वस टू जीरो वैल्यू ऑफ पी वन इक्वस टू जीरो तो यहाँ से बचेगा आपका डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड ओवर डी एक्स इक्वस टू जीरो। एक तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो कि पी वन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए भाई जीरो के इक्वल हो जाए तो वैल्यू ऑफ पी वन इक्वस टू जीरो। पी वन इक्वस टू जीरो देन इक्वेशन थर्ड रिड्यूस टू देन इक्वेशन इसे सॉल्व कर लेंगे रिड्यूस टू तो ये बनेगी डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर पी वन जीरो हो चुका है भाई अरे बच्चा क्यू वन बाई इक्वस टू आर वन इक्वेशन नंबर फोर। इसे सॉल्व करना आप जानते ही हो भाई तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी वाई और जेड में जेड की वैल्यू निकाल ही चुके हो अब वाई को सॉल्व कर लेंगे जेड की टर्म्स में और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की टर्म्स में इस इक्वेशन से। इस प्रकार आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा केस नंबर फर्स्ट और अब हमें निकालेंगे केस नंबर सेकेंड। इफ we select the value of z such that q1 equals to constant कि हम z की वैल्यू ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि q1 किसके इक्वल आ जाए भाई कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो q1 वन इक्वस टू कॉन्स्टेंट यानी q1 वन इक्वस टू सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। सपोज दैट q1 की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी आई थी भाई निकल के आपके q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वस टू सी स्क्वायर तो q अपॉन सी इक्वस टू हो गया आपका डी जेड ओवर डी एक्स इंटीग्रेशन z इक्वस टू q अपॉन सी डी एक्स प्लस जेड इक्वस टू क्यू अपॉन सी अंडर रूट क्यू अपॉन सी जेड इक्वस टू यहां से जेड का चयन इस प्रकार भी कर सकते हो देन इक्वेशन थर्ड रिड्यूस टू जो इक्वेशन थर्ड आएगी वो आएगी डी टू बाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन हो गया सी स्क्वायर वाई इक्वस टू आर वन इक्वेशन नंबर फाइव। तो हमें क्या करना है इस प्रकार का जो भी आपका क्वेश्चन होगा इस प्रकार के प्रत्येक क्वेश्चन में आपके पास तीन चीजें आपको याद रखनी है वह डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक तो वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर एक्स के स्थान पे कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्व टू आर वन वेयर यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ पी वन क्यू वन एंड आर वन वेयर वैल्यू ऑफ पी वन इक्वस टू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ क्यू वन रिमेंबर क्यू अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको हमेशा पी वन की वैल्यू क्यू वन की वैल्यू और आर वन की वैल्यू तीनों वैल्यू याद रखनी है। दो प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या तो पी वन की वैल्यू जीरो कीजिए तब जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए फिर उसकी वैल्यू पुट कीजिए या फिर Q1 की वैल्यू हम कांस्टेंट मानेंगे। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को एक ही विधि से सॉल्व करना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सभी में अलग अलग विधि लगाने पर और क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे कि एक्सरसाइज 6.C का क्वेश्चन है
एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, इसे हम पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। वो देखिए, आप हमेशा बी मेथड यूज करोगे, ए मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो आप हमेशा कौन सा मेथड यूज करोगे, मेथड नंबर वी। मेथड नंबर बी में आपको Q1 को क्या मानना है भाई, कांस्टेंट। Q1 को क्या मानना है, हमेशा कांस्टेंट। और ये स्क्वायर दिया हुआ है तो अंडर रूट निकलता है क्यू का, तो हमेशा 6C के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो क्यू होगा, क्यू हमेशा स्क्वायर में दिया हुआ होगा। क्यू हमेशा किस में दिया हुआ होगा, स्क्वायर में। जैसे कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे ई की पावर 2x, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, तो हमेशा जो क्यू है वो आपका किस में दिया हुआ होगा, स्क्वायर में दिया हुआ होगा। तो अगर आपका क्यू हमेशा स्क्वायर में दिया हुआ है तो Q1 को हम कांस्टेंट मानेंगे, और कांस्टेंट कितना मानना होगा, जो क्यू का कोफिशिएंट होगा, जितना क्यू का कोफिशिएंट होगा उतना ही आपको क्या मानना पड़ेगा भाई, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। उतना ही मानना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। सिक्स से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y/dx² + 2x (1+x²). फर्स्ट 6a 6b के कुछ क्वेश्चंस भी इस एक्सरसाइज से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई किससे होगा। सबसे पहले यू विल बी मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² = 1। फॉर दिस यू डिवाइडेड दिस इक्वेशन y(1+x²)² डिवाइड कीजिए भाई, तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x/1+x² dy/dx + 4/1+x²² (y = 0). y² = 0। अब देखिए, q की जो वैल्यू है 1+x²² स्क्वायर में दी हुई है, q की जो वैल्यू आएगी हमेशा स्क्वायर में दी जाएगी, और स्क्वायर में दी जाएगी तो आप 6.3 या एक्सरसाइज 6.3 का यूज करोगे। आप स्क्वायर में है और Q1 का मान कितना लेट करना होगा, जो इसका कोफिशिएंट है वही लेट कर लेना। 4 है तो 4, 3 होता तो 3, -1 होता तो -1, और 1 होता तो 1। आंसर हमेशा सेम निकल के आएगा। एग्जांपल हो, एग्जांपल को भी आप Q1 को लेट करके सेकंड मेथड का यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x → z, देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू पहले वैल्यू लिख लेते हैं भाई, p1 q1 r1 के। हियर value of p, coefficient of dy/dx, 1+x², value of q, 4/1+x²² and value of r = 0. P की value, q की value and r की value। Now,
चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू देन इक्वेशन फर्स्ट रिड्यूस टू एक्स चेंज बाई जेड डी टू बाई ओवर डी जेड स्क्वायर p change by p1 dy by dx dy by dz plus q change by q1 y equals to r change by r1 where value of p1 equals to hota hai aapka d2 y over dx square plus p where value of p1 d2 z over dx square d2z over dz square d2z over dx square plus p dz over dx upon dz over dx whole square value of q1 q upon dz over dx whole square and value of r1 equals to r upon dz over dx का होल स्क्वायर। p1 q1 और r1 की वैल्यू आपको निकालनी है भाई, और निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी टर्म्स ऑफ z, और यहाँ से हम किसी एक z की वैल्यू निकाल लेंगे। अब z की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हम आपको यहाँ से बताएंगे भाई, z की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो हमने क्या कहा, हमेशा Q1 को कांस्टेंट मान के निकालना प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है भाई, चार। इफ वी सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ z सच दैट के Q1 इक्वल्स टू फोर मान लो, कोएफिशिएंट कितना है q1 का, q का 4, तो वही मान लीजिए हमेशा कोएफिशिएंट को। q1 इक्वल्स टू होता है आपका q ओवर dz ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका 4, वैल्यू ऑफ q 4 अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, इधर भेज दीजिए 4 dz ओवर dx का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ q 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अरे 4 dz ओवर dx का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए भाई, इसे सॉल्व कीजिए, dz ओवर dx इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑन इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जेड इक्वल हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। जेड की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास कितनी, टेन इनवर्स एक्स, इक्वेशन नंबर थर्ड। डी जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर निकल चुका है, अब हमें पी वन की वैल्यू भी निकालनी है, तो डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर भी निकालना होगा और आर वन की वैल्यू भी निकालनी होगी। एंड डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होल स्क्वायर निकालिए भाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2x, यही आएगा भाई इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस 1 अपॉन एक्स का होगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 2x, देन वैल्यू ऑफ p1 यहाँ निकाल रहे हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ p1, p1 की वैल्यू निकालिए भाई, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p1, तो p1 की वैल्यू निकालिए भाई कितनी निकल के आएगी भाई, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, पी एक्स
वैल्यू ऑफ पी जो निकल के आई थी वो निकल के आई थी आपकी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz ओवर dx की वैल्यू भी निकल के आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में dz ओवर dx का मान निकल के आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई और पी वन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई भाई, जीरो के बराबर आ गई। पी वन इक्व टू जीरो और Q1 की वैल्यू आपने 4 मानी है भाई, P1 की वैल्यू 0 हो गई, Q1 की वैल्यू 4 मानी है आपने। अब R1 की वैल्यू निकालेंगे एंड वैल्यू ऑफ R1, R1 होगी आपकी R O upon dz over dx का होल स्क्वायर। वैल्यू ऑफ R आपकी 0 है तो वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी भाई, 0। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ P1 Q1, सब्स्टिट्यूट the value of P1, Q1 and R1 in equation 2, then equation 2 में put कर दीजिए भाई, P1 की value आ गई, Q1 की value आ गई और R1 की value आ गई। तो P1 था आपका d2y over equation 30, d2y over dz square, P1 dy by dz plus Q1 4 और R1 की वैल्यू 0। देन योर इक्वेशन रिड्यूस टू इन टर्म्स ऑफ y एंड z, इक्वेशन नंबर दिस, इक्वेशन नंबर फोर। देखिए भाई कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल एरर होने के कारण आपकी क्लास एक मिनट के लिए स्टॉप की जाती है और तब तक आप थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और रिलैक्स करने के बाद क्लास रिजॉइन करेंगे।